शाहिना का किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मटन भाई, यह हमारा मटन है आधा केजी, इसका पानी भर। छोटी इलायची, सिया जीरा, जीरा, बड़ी इलायची, लौंग, जावित्री, हरी इलायची, यह है धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, तीखी मिर्च, बिरयानी मसाला, हल्दी पाउडर, ये चॉप किया हुआ प्याज है, ये सब्जी गैस मीट मसाला है, बिरयानी मसाला, नमक, ये लहसुन अदरक पिसा हुआ है, ये दही है, और ये हरी मिर्च और धनिया पत्ती कटा हुआ है। अब मैं गोल डाल रही हूँ, इधर मेरा तेल हमारा गर्म हो चुका है, डाल रहे हैं पुलाव के लिए, चावल के लिए पानी रखा है, चावल बनाने के लिए हम इस डिब्बे से, ये 250 ग्राम का है, इसको हमने धो करके आधा घंटा रख दिया है। हमने 6 अंडा लिया है, 2 आलू लिया है बिरयानी में देने के लिए, मटन बिरयानी व्हाइट में देने के लिए। दालचीनी है, जावित्री है, ये 2 हरी इलायची है, 2 ब्लैक बड़ी इलायची है जिसको ब्लैक इलायची भी कहते हैं, ये 2-3 दाना लौंग है, सफेद जीरा, ये पुलाव जीरा, सिया जीरा, हमने पानी में दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें दिया, इसमें टमाटर वगैरह नहीं पड़ेगा, हरी मिर्च दिए हैं, इसमें हमने दही दिया, इसको हम कुकर में बनाएंगे, कुकर में नहीं बनाते हैं, तो हम इसको पपीता इसमें डालते हैं, ये थोड़ा सा हमने ये मीट मसाला दिया, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर दिए, ये थोड़ा सा मीट मसाला, ये थोड़ा सा सिया जीरा दे रहे हैं, ये सबको मिलाएंगे। हरी मिर्च उसी में पीस दिए हैं, इसलिए इसमें मिर्च नहीं दिए, छोड़ देंगे। लाओ थोड़ा सा अपना, हमारा बिरयानी हो चुका है, अब मैं गोश्त में जा रही हूँ सीटी लगाने के लिए, इसको उतार के रखूंगी, गोश्त को निकाल रहे हैं, ये सुफियानी मटन बिरयानी है, यह हैदराबादी नहीं है। मैं देने जा रही हूँ, ये सारे गरम मसाले जो पड़ते हैं पड़े हैं सबको निकाल दे रहे हैं छान के, क्योंकि ये मुंह में पड़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बांध कर देते हैं, आप चाहें तो पोटली भी बांध करके दे सकती हैं, कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब मैं इसमें चावल देने जा रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 1 सीटी गोश्त हो चुका है, ज़्यादा नहीं गलाना है वरना गोश्त खराब हो जाएगा, चावल भी खराब हो जाएगा, हल्का ही से गलाना था। अब इसको हम, चावल भी हमारा हो चुका है, चावल छान करके इसको भी ज़्यादा नहीं गलाना है, 1% कच्चा ही रहने देना है। ये देखिए चावल कितना अच्छा खला खिला है, ये देखिए चावल को छान करके हमने लिया है, 1 लेयर दिए हैं, अब इसमें गोश्त डालेंगे, ये व्हाइट बिरयानी है, सुफियानी व्हाइट बिरयानी ये कही जाती है, ये हैदराबादी नहीं है, हैदराबादी रहती व्हाइट बिरयानी तो वो दूसरा होता, ये सुफियानी व्हाइट बिरयानी। अब हमें इसमें थोड़ा सा बिरयानी डालना,
फिर और चावल डालेंगे। देखिए चावल एकदम परफेक्ट बना है, खिला खिला है। एक तो ये देख व्हाइट है, इसलिए ये व्हाइट है। अंडा डाला, एक दो, आलू दिए, अब आखिर लेयर में भी डालेंगे। ये देखिए ये भी डाल रहे हैं चावल, ये आखिरी लेयर डाल रहे हैं। अंडा दिया और इसमें बाकी बचा हुआ ये बिरयानी भी दे रहे हैं। इसके बाद से इसको हम दम पर 20 मिनट तक रखेंगे। 20 मिनट के लिए चढ़ा दिया इसको दम पर। धनिया पत्ती दिए हैं, पुदीना दिए हैं, ये हरी मिर्च दे रहे हैं। फिर जैसा ही हो जाता है तब फिर देंगे, ये छोड़ देंगे। हमारा 20 मिनट के लगभग हो चुका है और ये चावल भी हमारा हो चुका है। देखिए कितना अच्छा ये चावल निकला है, कितना अच्छा खिला खिला है। अब इसको निकालते हैं, निकाल के दिखाते हैं। ये हमारा एकदम खिला खिला चावल बहुत अच्छा बना है। ये बिरयानी, वाइट बिरयानी मटन, ये हम थोड़ा सा ऊपर से हरी मिर्च और धनिया पत्ती पुदीना पत्ती दे रहे हैं। ये हमारी व्हाइट बिरयानी, मटन व्हाइट बिरयानी सुफियानी तैयार हो चुकी है। बताने में समझाने में जो भी गलती हुई होगी माफ़ करेंगे। नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, पुराने होंगे कमेंट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। हमें बहुत अफसोस लगता है, बार बार हम बोलते हैं लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है यूट्यूब चैनल से। हमें बहुत अफसोस लग रहा है, बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो आप लोगों के लिए। हमें प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, गलतियों को माफ़ करें। कमेंट में हमें बताएं कहाँ पे गलती हुई, हम जवाब ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।